नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट है या पहली बार किसी कंपनी की अकाउंटिंग का बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करोगे नए फाइनेंस ईयर के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बेसिक ट्रेजरी टैक्सेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कहाँ पर और किस ऑप्शन में सेटअप करना होता है। जैसा कि हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है उसे हम कहाँ लिखते हैं, कंपनी का जो टीडीएस है या फिर जो टीसीएस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ देनी होती है, इसी तरीके से ईवे बिल या ई इनवॉइस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है उसे हम बिजी सॉफ्टवेयर में कहाँ पर सेटअप करते हैं, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और इसी टाइप के कंटेंट्स आप और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ एक बेसिक सेटिंग होती है जो जीएसटी से रिलेटेड होती है, वो हमें कंपनी क्रिएट करने के दौरान ही करनी पड़ती है। जैसा कि हम बिजी सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम यहां पर एक कंपनी क्रिएट हम करेंगे डेमो कंपनी के नाम से, और उसके बाद इंटरप्रेस करते हुए हमारा कंट्री इंडिया, स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को आप सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद में जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जैसा कि अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 का चल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को करेंगे, और जो हमारी बुक्स की जो डेट्स है वो भी एक बार मैं 1/4/2021 को ही सेटअप कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी प्रॉपर सेटिंग जो कंपनी है आपकी जिस नाम से रजिस्टर्ड है उस कंपनी का नाम तो आपका यहाँ आ ही जाएगा, उसके बाद में जिस लोकेशन पे आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है आप उसे अपने जीएसटी का जो आपके पास सर्टिफिकेट है उससे देख के सारा डाटा आप इस एड्रेस में फिलअप कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी कंपनी का जो पैन नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप अपने टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में ये हमारी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग होती है जो बाय डिफॉल्ट बिल्कुल सेट होती है, उसे मैम कुछ चेंजिंग करने की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है। और उसके बाद में डिटेल यहाँ पर आती है हमारे पास भी इनेबल जीएसटी। अगर आपकी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको यस करना होगा, और जैसे हम यस करेंगे तो उसके बाद कंपनी आपसे एक डिटेल पूछेगी जीएसटी या वेट, तो अभी फिलहाल तो वेट खत्म हो चुका है तो हम इसको रखते हैं जीएसटी के अंदर। और अगर आपकी कंपनी के ऊपर कोई ऐसे प्रोडक्ट आप सेल करती है आपकी कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी के अलावा सेस भी लगता हो तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप नो रख सकते हो। और उसके बाद में जो हमारी खुद की कंपनी है जिस नाम से हमने कंपनी यहाँ पर क्रिएट करी है उस कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो हमें यहाँ पर ही लिखना पड़ता है स्टार्टिंग पे। जैसा कि मैं स्टार्टिंग यहाँ पर मेरा इन्फॉर्मेशन है जो जीएसटी से रिलेटेड, यानी कि जो जीएसटी का नंबर है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मेरा, और उसके बाद में जो आपकी कंपनी जिस टाइप में रजिस्टर्ड है, रेगुलर है या कंपोजिशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर रेगुलर है तो रेगुलर करेंगे, अगर कंपोजिशन है तो हम उसको कंपोजिशन में रखेंगे। तो मैं फिलहाल इसको रेगुलर की कंडीशन में रख रहा हूँ। और उसके बाद में ये दो हमारे पास जो बाई डिफॉल्ट टैक्स रेट दो पूछे जा रहे हैं, टैक्स रेट 1 और टैक्स रेट 2, तो दोस्तों ये रेट आपको तब फिलअप यहाँ पे करना होता है अगर आपकी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर दो टैक्स रेट के साथ वर्किंग करती है। तो मान लीजिए आपकी कंपनी सिर्फ दो टाइप के ही प्रोडक्ट बेचती है, चाहे वो जीएसटी 5% के प्रोडक्ट हो या जीएसटी 12% के, या 12 या 18 हो सकता है या 18-28 हो सकता है, या टैक्स फ्री के साथ 5% हो सकता है, यानी कि कोई भी दो टैक्स रेट के साथ वर्किंग करती हो तो यहाँ पर आप टैक्स रेट दे सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा भी यहाँ पर आप इनको कुछ भी चेंजिंग ना करें, इनको 0-0 ही रहने दे, क्योंकि पता नहीं होता कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट 12 वाला 18 में चेंज हो सकता है, 18 वाला प्रोडक्ट को भी 12 में जा सकता है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जो डिफॉल्ट टैक्स रेट है उनको 0 ही रहने दे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी जीएसटी से रिलेटेड भी हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो हमें यहाँ पर लिखना होता है जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं बिजी सॉफ्टवेयर में तब। और उसके बाद में हम इस कंपनी को कर देते हैं सेव। तो जैसे सेव करेंगे तो हमारी कंपनी यहाँ से स्टार्टअप हो जाता है सेव होने के लिए, तो ये 100% तक आपका कंप्लीट होने के बाद कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से, बी योर कंपनी है जो वो अपनी क्रिएट सक्सेसफुली हो चुकी है, आपको ओके करना है।
और उसके बाद अगर आप अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो यानी कि पासवर्ड देना चाहते हो तो आप इसको यस करके और आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी देना पड़ता है, जैसा कि मैंने यूजर नेम दे दिया यहाँ पे, पासवर्ड भी और रीचेक पासवर्ड में भी मैंने इसको यस कर दिया। तो उसके बाद में ये आ जाएगी फीचर्स एंड ऑप्शन। अब बात आती है हमारी जीएसटी के अलावा जो हमारी टीडीएस से रिलेटेड जो डिटेल है या फिर टीसीएस से रिलेटेड जो डिटेल है, ईवे से रिलेटेड जो डिटेल है या फिर ई इनवॉइस से रिलेटेड जो डिटेल है उसको सेटअप कहाँ करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इस ऑप्शन पर, एडमिनिस्ट्रेटर पर, और इस पर हम करेंगे एंटरप्रेस। और उसके बाद में आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का, और कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट ऑप्शन पे फीचर्स एंड ऑप्शन पर, एंटर हम प्रेस करेंगे। तो ये हमारी फीचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो हमारी कंपनी की है, डिस्प्ले सेटिंग है, जर्नल अकाउंट्स, इन्वेंट्री, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, सारी डिटेल आपके पास यह आ जाएगी। अब अगर आपके पास जीएसटी से रिलेटेड हम डिटेल को और ज़्यादा सेटअप करना चाहें तो इस जीएसटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है जो टिक करेगा इनेबल जीएसटी वैट रिपोर्टिंग का, और उसके बाद में आपके पास जो ऑप्शन है जो हम स्टार्टिंग में ऑप्शन दे के आए थे टाइप ऑफ डीलर का, वो रेगुलर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा। उसके बाद अलाउ स्विचिंग बाई जीएसटी वेट F12, तो आपको वेट के साथ जीएसटी में जाना है तो आपको कर सकते हो, अदरवाइज आपको टिक को नो ही रहने देना है। और उसके बाद में अगर रेगुलर है तो रेगुलर, अब बाय द वे अगर गलती से आपने कोई चेंजिंग कर दिया तो यहाँ पर आके भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो रिटर्न की जो प्रोसेस है जीएसटी R1 की, वो आप मंथली फाइल करते हो या फिर क्वार्टरली फाइल करते हो, उसकी सेटिंग हमें यहाँ पर बतानी पड़ती है। तो मैं एक बार मंथली सिलेक्ट करूँ, अगर आपकी कंपनी क्वार्टरली है तो आप इसको क्वार्टरली सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में ये वेट से रिलेटेड जो डिटेल है टिन नंबर, इसकी हमें जरूरत नहीं होती। और उसके बाद में जो जीएसटी नंबर हमने फिलअप किया था वो डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में डिफॉल्ट टैक्स की कैटेगरी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, दो टैक्स कैटेगरी आ रही थी, उसको हमने नन रखा, तो यहाँ पर भी इसको हम नन ही रखेंगे। और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट डिटेल जो हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है ई वे बिल रिक्वायरमेंट और ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट। अगर आपकी कंपनी है जो प्रोडक्ट है जो 1 लाख रुपये से ज़्यादा के प्रोडक्ट है, उसका इनवॉइस जो बनता है टैक्सेबल इनवॉइस, तो हमारा ई वी बिल भी कंपलसरी है। तो जैसे हम इसको वाई प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फ्रॉम प्लेस जहाँ से आपका गुड्स है जो रवाना होता है उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हो, एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होता है, और उसके बाद में अमाउंट आफ्टर विच ई वी बिल एप्लीकेबल B2B B2C, तो आपको यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग वो अमाउंट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी भी आपने कितनी अमाउंट के बाद में ई वी बिल जो जनरेट करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए की दे दी है। और उसके बाद में ई वी बिल रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रांजैक्शन, अगर आप लोकल ट्रांजैक्शन के साथ भी अगर आप करते हो तो इसको आप यस कर दोगे। और उसके बाद में आप कौन सी कंडीशन पे करते हो, ओनली B2B करते हो या B2C करते हो, तो दोनों में करते हो तो आप बोथ पे सेलेक्ट कर लोगे। और इसी के तरीके से अमाउंट आफ्टर विच ई वी बिल B2C का वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली जो डिटेल हमने यहाँ पर फिलअप करी थी वो थी हमारी सेंट्रल के लिए। तो जो सेंट्रल के लिए जो डिटेल है हमारी वो राजस्थान के अकॉर्डिंग हमें इसको एक बारी 50,000 रुपये रखेंगे, और ये लोकल की जो हमारी डिटेल है उसको 1 लाख रुपये हम कर देंगे। और उसके बाद में भी डिस्टेंस आफ्टर विच ई वी बिल एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल किलोमीटर की कोई अभी तक ऐसी नहीं है तो आप इसको 0 रख सकते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कितने भी किलोमीटर पर जा सकता है। और उसके बाद में जो हमारी ई वी बिल की जो एप्लीकेबल वो बिल अमाउंट के ऊपर रहती है ना कि टैक्सेबल अमाउंट पे, इसलिए आपको बिल अमाउंट पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको इनेबल ऑटो जनरेट ई वी बिल BLS, तो यहाँ पर हमें एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी पड़ती है, जो हमारा हम पोर्टल पे जाके जो ई वी बिल जनरेट करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड हम जो लगाते हैं उसकी सेटिंग हमें यहाँ पर करनी पड़ती है। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर यस। तो जैसे हम यस करेंगे समरी रहेगी प्रिंट फॉर्मेट में पूरा डिटेल के साथ रहेगा, और उसके बाद में जो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो हमने ई वी बिल पोर्टल पे जाके ई वी बिल जो जनरेट हम करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर हमारा यूज़र आईडी और ई वी बिल वाला पासवर्ड है जो यहाँ पर लिख देना है। तो ये दोस्तों अभी आपका जो
मैसेज आप ये देख रहे हो भी दिस सर्विस अवेलेबल ओनली विद इन एक्टिव वीजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आपके पास पेड वर्जन है वीजी सॉफ्टवेयर का तब भी आप इन ऑप्शन का फायदा उठा सकती हो, क्योंकि अगर हमने ईवी बिल के साथ इसको अटैच कर दिया तो हमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा भी जैसा ही हमारा इनवॉइस है जो वैल्यू हमने दी है 50,000 रुपये की या फिर 1,00,000 रुपये की, जैसे ही उसकी ऊपर की अमाउंट का अगर कोई इनवॉइस बनता है तो ये इसका ईवी बिल पोर्टल पे जाके जो हमें मैनुअल रूप से फिलअप करना पड़ता है इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, पार्टी का नाम, स्टेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, तो वो सारी की सारी डिटेल हमें पोर्टल पे ऑटोमेटिक फिलअप करके दे देता है ये सॉफ्टवेयर। तो ये हमें ईवी बिल की सेटिंग यहाँ से करनी होती है। और उसके बाद में इसी तरीके से ई इनवॉइस जो कि अभी रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी नए फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से, अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा की है तो आपको ई इनवॉइस आप कंपलसरी कर दिए, तो इसकी सेटिंग भी आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। इसको हम यस करेंगे तो सेम इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें करनी पड़ेगी, और फ्रॉम प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपके एरिया का पिन कोड, और उसके बाद में डिटेल आपकी जो हमारी GSP का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आपने जनरेट कर लिया है तो वो हमारा ऑटो जनरेट ई इनवॉइस के पर्पस से हमें यूजर आईडी और पासवर्ड अभी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई इनवॉइस GSP यूजर आईडी पासवर्ड डिफरेंस प्रो ई इनवॉइस पोर्टल यूजर आईडी पासवर्ड फॉर फर्दर डिटेल्स, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर एक यूजर आईडी क्रिएट है जो क्रिएट कर लेना है। और इस तरीके से ये तो था हमारा GST से रिलेटेड ई इनवॉइस, GST के प्रॉपर सेटिंग और ई इनवॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम इस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर कर देंगे ओके। और इसके बाद एक ऑप्शन और पूछा जाता है भी मिनिमम डिजिट फॉर HSN कोड, आपकी कंपनी है जो कितने डिजिट की कंपनी को कोड को एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पर आप 4 है तो 4 करोगे, 6 है तो 6 करोगे, अगर 8 है तो 8 हम करेंगे, और इंटरप्रेस करते हुए इसको करेंगे सेव। तो ये तो था हमारा GST से रिलेटेड इसकी इन्फॉर्मेशन की बेसिक सेटिंग करना। और उसके बाद बात आती है हमारी TDS की और TCS की, तो TDS और TCS के लिए हम यहाँ पर जाएंगे इस ऑप्शन पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके लिए अगर आपकी कंपनी के ऊपर भी TDS डिटेक्ट करने की लाइबिलिटी है या फिर टैक्स कलेक्ट करने की लाइबिलिटी अगर आपके ऊपर है, टैक्स कलेक्ट करती है यानी कि TCS, तो आपको इन ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। जैसे हम इस पर इनेबल करेंगे तो ये इनेबल हो जाएंगे, और इनेबल होने के बाद में जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो उसके बाद में हमारी कंपनी का जो 10 नंबर है वो हमें यहाँ पर देना पड़ता है, जो 10 डिजिट का होता है वो हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद में TDS जो सर्किल है आपका, उस सर्किल नंबर आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद में जो आपकी कंपनी किस कैटेगरी की है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो भी है आपको यहाँ से देख के करना पड़ेगा, जैसा कि मैं इंडिविजुअल और रेजिडेंस यहाँ पर कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो कंपनी की TDS से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है प्रॉपर, जो आपके पास जो ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर कर देनी है। स्टेट आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड वाइज सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में अगर आपने जो टैक्स के अमाउंट राउंड ऑफ के साथ सेटिंग करनी है तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो राउंड ऑफ करने के लिए आपसे क्या पूछा जाए, ऑलवेज अपर, ऑलवेज लोअर या ऑटोमेटिक, तो आप इसमें ऑलवेज अपर का यानी कि कोई भी एक पैसा है तो ऊपर का पैसा यानी कि जो TDS है वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, यानी कि जैसा कि 100 रुपये और 51 पैसे बना तो 101 रुपये हो जाना चाहिए, और 100 रुपये अगर एक पैसा भी बने तो भी 101 रुपया होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक आपने कर दिया तो जितना बाय डिफॉल्ट रहेगा वही रहने वाला है, और इसको हम करेंगे ओके। और उसके बाद में जो हमारा TDS और TCS से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल होती है उसको हमें यहाँ से फिलअप करना होता है। जैसे हम करेंगे तो ये उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, सारी नेम, फादर्स नेम, डॉटर ऑफ, उसका जो पद है, पैन नंबर, उसका एड्रेस, सारा प्रॉपर हमें यहाँ पर ओके करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जैसे हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास है जो एक्टिव हो जाएंगे। वी चेक योर प्रीवियस डाटा फॉर TDS अंडर सेक्शन 194Q का, उसके लिए स्किप TDS रेफरेंस नंबर ऑफ क्रिएशन, वार्निंग है TDS परचेज नो एक्शन। अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप के ऑप्शन को यस, इनेबल, डिसेबल करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, और इसको सारी सेटिंग हम करेंगे यहाँ से सेव। तो ये तो थी हमारी GST से रिलेटेड TDS और TCS, यानी कि ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेटिंग है जो हमें कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद कर लेनी चाहिए हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी TDS की लाइबिलिटी बनती है, GST की, हमारे जो टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर कंपोजिशन, वो सब कुछ हमें शुरुआत में ही करने की जरूरत होती है जब भी हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।